हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं जेसन रवि और समरी ऑफ सिनेमा में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं हाल ही में Z5 पे स्ट्रीम हुई वेब सीरीज मुखबिर द स्टोरी ऑफ अ स्पाई को। मुखबिर मलॉय धार की नॉवल मिशन टू कश्मीर एन इंटेलिजेंस एजेंट इन पाकिस्तान से अडेप्टेड है और ये ट्रू इवेंट से इंस्पायर्ड है और इसलिए खास है। दोस्तों, जितनी अच्छी इस सीरीज की फिल्मिंग है उतनी ही अच्छी इसके एक्टर्स की परफॉर्मेंस भी है, जैसे प्रकाश राज, आदिल हुसैन और खास तौर से मेन लीड जैन खान दुरानी की परफॉर्मेंस जो ऑडियंस को होल्ड करके रखती है। आप ही का बंदा सर। समा 1965 का है जब इंडिया और पाकिस्तान के बीच भयंकर कोल्ड वॉर चल रहा था और पाकिस्तान वॉर के लिए तैयार हो रहा था। कहानी रॉ यानी इंडिया के रिसर्च एनालिसिस विंग एजेंसी के बनने से पहले के टाइम में गढ़ी गई है। इसमें इंडिया सर्वेलेंस के डायरेक्टर प्लेड बाय प्रकाश राज हैं, जो अपना मुखबिर हरफान प्लेड बाय जैन पाकिस्तान भेजते हैं। जैन वेल ट्रेन नहीं होते हैं, पर उनमें एबिलिटीज होती हैं और उनका मिशन है पाकिस्तान में अपने आप को इस्टेब्लिश करना और मिलिट्री इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके हिंदुस्तान भेजना। कहते हैं बोलना आसान है और करना मुश्किल है, करेक्ट। मिशन में बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। तू गया काम से। सस्पेंस होता है जो सीरीज की कहानी को और भी आकर्षक बनाता है। सीरीज के रियलिस्टिक लोकेशन से लेके VFX, सेट डिजाइन, ओवरऑल विजुअल बहुत अच्छा है जो 60s के एरा का वाइब आपको सही से देगा। सीरीज में ज्यादा ड्रामा नहीं है, स्ट्रेट टू द पॉइंट है जो स्टोरी को और भी इंगेजिंग बनाता है। इवन सीरीज का बैकग्राउंड सस्पेंस और थ्रिल को बढ़िया से मेंटेन करता है। गजल का यूज बढ़िया किया गया है मेकर्स द्वारा टाइम पीरियड और पाकिस्तान उस समय के हिसाब से। ओवरऑल काफी टाइम के बाद आपको एक प्रॉपर स्पाई थ्रिलर देखने को मिलेगी। इस सीरीज के क्रिएटर हैं नाम शबाना और स्पेशल ऑप्स जैसी फिल्म और वेब सीरीज बनाने वाले शिवम नायर, और उनके साथ इसको जयप्राद ने भी डायरेक्ट किया है। सीरीज बढ़िया से लिखी है असीम अरोरा और सौरभ स्वामी ने। प्रोड्यूस किया है वैभव मोदी और तबस्सम मोदी ने। इसमें फीमेल एक्ट्रेस में जोया अफरोज, बरखा बिष्ट और वीना मेहता जी ने बहुत सुपर काम किया है। तो दोस्तों, शिवम नायर का ये क्रिएशन मुझे बहुत पसंद आया और फुल 5 स्टार है इनके लिए। आपको कैसा लगा ये रिव्यू, कौन अच्छा था और कौन नहीं, प्लीज कमेंट सेक्शन में अपनी राय दें। और अगर रिव्यू अच्छा लगा तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल दबा दीजिए, जिससे नए रिव्यूज आपको इन्फॉर्म हो जाएंगे। अभी के लिए मैं जेसन रवि विदा लेता हूँ। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।